स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास 9 में अध्याय 6, इसका नाम है रेखाएं और कोण। ये पढ़ रहे थे, आज इसका भाग 2 इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आता नेक्स्ट आसन्न कोण। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। तीन रेखाएं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, तो शीर्ष इसका एक ही है। तो जब नामांकित करते हैं क्या होगा, इसका शीर्ष ओ, ये ओ हो गया। हाँ, ए पी और ये सी। समझ में, जिनके शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो एक भुजा OA, OA उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि भुजा या रेखा दोनों एक ही बात है, इसको रेखा भी कहते हैं ना। रेखा या भुजा दोनों वाले जो है कोण में उभयनिष्ठ है। अगर एक कोण बनाते हैं ए ओ बी, तो दूसरा कोण बनेगा कोण ए ओ सी। ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन क्या हुआ, ओ ए भुजा या रेखा। ओके, तो ऐसे कोण को कहते हैं आसन्न कोण। ठीक, कोणों का रैखिक योग। दो आसन्न कोणों को जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, उसे कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तीन रेखा लेंगे, देखो एक रेखा, दूसरी रेखा और ठीक, एक दूसरे डायरेक्शन में एक और रेखा लेंगे, ये ओके, ये हो गया। एक और डायरेक्शन होगा ये, और उसको नामांकित करते हैं ओ एक्स वाई जेड। प्रकार दूसरा युग्म ओ एक्स वाई जेड, तीसरा प्रकार ओ एक्स वाई और ये जेड। ठीक, फिर से देखिए, दो आसन्न कोणों को, दो कोण आसन्न बन रहे हैं, एक पहला और ये दूसरा। ठीक, इसी प्रकार ये वाली स्थिति में पहला दूसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीन कोण बन गए। जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं विपरीत किरणें हो, ठीक, उसे कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। एक सरल रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तिर्यक रेखा कैसी होती है देखिए।
दिखा लेती हूँ। एक रेखा, दूसरी रेखा। अब इन दोनों रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार तिरछी कट कर रही है, ये रेखा कहलाती तिर्यक रेखा। कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो रेखा L, M और N क्रमशः, रेखा L जो है ये वाली रेखा का नाम M होता है, ये वाली कट कर रही है, M और N, हाँ ये रेखा M है, रेखा N है। क्रमशः P और Q बिंदु है ना, P Q बिंदु पर काटती या प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक। तो P और Q बिंदु क्या हुए, एक रेखा और दूसरी रेखा को इस बिंदु पे कट कर रही है। देखो देखो, ये वाला एक पॉइंट हुआ और दूसरा ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इसका नाम P और इस बिंदु का नाम Q है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको बहुत सरल जो क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेखा और कोण से संबंधित, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। पहला है इसमें चित्र में प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, POQ बराबर है, तो कोण POQ। देखिए चित्र, चित्र में आपको दो रेखाएं दिखाई दे रही है, उसके बीच का एक कोण है, ठीक है। ये तो हमने आपको कोणों का समझाया था, जो बाह्य कोण होता है वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक। तो इसमें से सही उत्तर होगा इसका कि सी सही है, यानी ये कोण जो है 300 डिग्री का होगा। देखिए निम्न में पूरक कोण युग्म नहीं है। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था पूरक कोण के बारे में कि दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जैसे 50 और 40, 90 हुआ, ठीक है, 60 और 20, 30 यह हुआ कितना, 90, ये हो जाएंगे। अब आप इसको युग्म नहीं है, मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको चेक करते हैं, 60 और प्लस 30 करते हैं, हाँ देखो 60 और ये 30 करेंगे युग्म में तो 90 होगा, हाँ यहीं पे देखो प्लस 30 करेंगे तो क्या होगा, 90, ये क्या होगा, कोण होता है, ठीक। इसको भी करेंगे प्लस दोनों को तो ये भी 90, ये भी युग्म है, ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये 150 प्लस 30 करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 180। आप समझ में, इसलिए क्या है, युग्म नहीं है, तो यह इसका ये वाला डी विकल्प सही है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में संपूरक कोण युग्म नहीं है। मैंने आपको संपूरक के बारे में बताया था कि टोटल दो कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 180 देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक, 90 प्लस 90 करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, ये तो संपूरक कोण का युग्म है। फिर ये हो गया 90 डिग्री, तीसरा 0 प्लस 180, ये भी हो गया 180, इसी प्रकार ये भी होगा 180 डिग्री। इसका मतलब कौन से इसमें से नहीं है, यानी बी जो है ये 90 है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र में दर्शाए कोण, कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी है। देखो आपको मैंने अभी रैखिक युग्म का बताया था, ठीक है, तो कौन सा है इसमें से पूरा कोण, इसमें भी कुछ शो नहीं है कि 90 होना चाहिए, ठीक है, संपूरक कोण इसमें शो नहीं है कि 180 होना चाहिए, कोण इसमें दर्शाया नहीं है, ठीक। इसमें कैसे हम बता नहीं सकते, ये रॉन्ग हो गया। आसन कोण, ठीक, आसन कोण भी नहीं है तो डी आएगा, डी विकल्प सही है। चित्र में दो सरल रेखाएं
पर सीढ़ी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस प्रकार बिंदु पर बने कोण अंकित हैं। यहाँ कोण x माइनस कोण y का मान ज्ञात करना है, ठीक, x और y, x में से y माइनस करना है, ठीक है, तो 90 में से 180 में से 62 माइनस करना, ठीक, तो विकल्प a सही है। चित्र में बताइए कि निम्न में कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है, ठीक है, आपको संगत कोण के बारे में बताते हैं कि दो रेखाएं हैं जैसे ये L M, हाँ, इन दोनों रेखाओं के बीच चार कोण बन रहे हैं, ठीक है, देखो सपोज आपको बताएं और ये टू, ठीक, ये तिर्यक रेखा है, कट कर रही है दोनों रेखाओं को और बीच के जो कोण बन रहे हैं तो डी सही है, डी मतलब 3 और 5, 1 और 5 अब चेक करते हैं, ठीक है, 1 और कोण 5, देखिए देखिए 1 सेकेंड, कोण 1 और कोण 5 ये बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, संगत, संगत का मतलब एक रेखा L दूसरी M, दोनों रेखाओं के एक तरफ एक दिशा के जो बने कोण है वो संगत कहलाएंगे, ठीक है, तो 1 और 5 ये क्या है, संगत है, ओके, क्या है, ठीक, चलिए क्योंकि एक ही दोनों रेखाओं पे बन रहे हैं। दूसरा 2 और 6 कहाँ है, देखिए 2 कोण ये है और 6 ये भी क्या है, एक रेखा के इस ओर बन रहा है और दूसरी रेखा के भी इस ओर बन रहा है, तो ये संगत कोण कहलाएगा, ठीक, इसी प्रकार तीसरा कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, ठीक है, ये बन रहा है, ये भी संगत। अब 3 और 5 की बात आती है, कोण 3 और कोण 5 ये क्या है, बिल्कुल विपरीत दिशा में आ रहा, समझ में, कोण 3 कोण 5 विपरीत है, ठीक, ये कौन कहलाता है, एकांतर कोण है ना, तो ये संगत नहीं है, इसीलिए डी जो उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट, चित्र में एबी एक रेखा एवं कोण एओपी बराबर कोण बीओपी, देखिए एबी एक रेखा है ए और बी, ठीक है, रेखा और कोण ए ओ पी ये बन रहा है एक कोण ये, ओके, फिर कोण बी ओ पी ये बन रहा है दूसरी ओर, ठीक, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो दोनों को मानेंगे ये क्या है एक्स है और ए बी क्या है एक सरल रेखा, ठीक, तो एक सरल रेखा पे बने दो कोण का योग होता है 90, क्योंकि तुम लोग ने पढ़ा है कि एक सरल रेखा पे, सरल रेखा को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है, जब इस रेखा को यहाँ खींचा तो ये इस कोण की माप कितनी होती है 180 अंश, ठीक है, तो इस प्रकार जो दो कोण हैं उनकी माप पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, एक कोण होगा एओपी ये 90 अंश होगा, दूसरा कोण होगा बीओपी ये भी होगा 90 अंश, आया समझ में, ये कहलाती है सरल रेखा का कोण, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आपको मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स आज पढ़ाए और इसके बारे में आपने कोण और रेखाओं के बारे में जो अध्ययन किया है, आप इसको कॉपी में रजिस्टर में अपने अच्छे से लिखेंगे, चित्रों को अच्छे से बनाएंगे, स्केल द्वारा रेखा खींचेंगे, रेखा या भुजा, और प्रैक्टिस करेंगे, ओके, थैंक यू सो मच।